अभी चिंता ये कर रही है कैसे बोल, कॉन्फिडेंस के साथ, प्रभाव के साथ, कैसे अपनी बात को सामान्य भाषा में प्रभावशाली तरीके से उतार चढ़ाव रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए कैसे बोलना है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं अक्सर ये बोलता हूं पहली क्लास में कि अभी से केवल एक बात ध्यान रखिए कि इंटरव्यू के लिए आपकी अभिव्यक्ति शैली यानी एक्सप्रेशन का जो पार्ट है उस पर थोड़ा काम होता रहे। और वो काम कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, 3-4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाइए, रोज कम से कम आधा घंटा साथ में बैठिए, बातें कीजिए, बस कोशिश कीजिए कि बातें सब लोग बराबरी से करें, सबको बोलने का मौका मिलता रहे, किसी भी मुद्दे पर बात कीजिए, मतलब अफगानिस्तान पे भी कर लीजिए, सीरिया पे भी कर लीजिए, रूस पे भी कीजिए, यूक्रेन पे भी कीजिए, और थोड़ी बहुत आस पड़ोस पे भी कर लीजिए। और क्या चल रहा है तेरा, बात बनी कि नहीं बनी, वो सब भी कर लीजिए, है एकदम जिंदा दिल रहते हुए पढ़ना है, बहुत तनाव लेके नहीं पढ़ना है। दिन में आधा घंटा यदि आपने मुक्त भाव से दोस्तों के साथ दोस्तों वाली बातें कर ली, आईएएस की तैयारी में कई लोग मशीन बन जाते हैं, दोस्तों के साथ भी क्या बोलते हैं, यार अफगानिस्तान में ठीक नहीं चल रहा है, अरे अफगानिस्तान छोड़ अपना बता भाई, तू अपना तो ठीक कर लो पहले, अफगानिस्तान तो हो जाएगा समय के साथ ठीक, अपना तो ठीक करो, एकदम बिंदास हो। जो बातें दोस्त करते हैं तो शोभा होती है दोस्तों की, जिससे ऊट पटांग बातें वो सब भी करते रहिए, थोड़ी बहुत खुल के बात कीजिए, आप बात करें तो सुनने का मन करे, रोचक तरीके से कीजिए। तो ये अभी से करना शुरू कर दीजिए, जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले पार्टिसिपेट कीजिए, आसपास किसी दोस्त का जन्मदिन है, पार्टी है, उसको भी समझिए मौका है, आने का नहीं वो तो है, वहां जाके बोलिए कि आज हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और आज की पार्टी में सबसे पहले एक गीत मैं गाऊंगा, गाओ वहां गीत, कितना बेसुरा, अगर आप बेसुरा गाते हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बात क्यों को है, आपको क्या दिक्कत है, गा दो अपना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के आ जाओ, खत्म करो, और फिर दूसरों को भी। और अब हमारे दोस्त आएंगे और कुछ बातें कहेंगे, ये बताएंगे कि जिनका जन्मदिन है एक्स 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 की क्या क्या खूबियां हैं और क्यों हमें एक्स इतने प्यारे हैं, कुछ भी मन संभाल दीजिए, ये सब मौके होते हैं जहां आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कोई मौका मत छोड़िए। और जिसको ठीक से बोलना आ गया इंटरव्यू में, तो मान के चलिए कि आधे घंटे में वो क्या जान लेंगे आपका, भाई सोचिए 25 साल की जिंदगी को 25 मिनट में जांचना है, कैसे जांचेंगे, इतना आसान थोड़ा है। और जांचना कैसे कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, अगर किसी को बात करने की अदा ठीक से आती है तो वो उनको 25 मिनट तक ठीक से मतलब महसूस करा सकता है कि मैं शानदार व्यक्ति हूं, हूं जैसा भी, लेकिन महसूस तो करवा देना, हो जाता है, उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या महसूस करेगा ये मैं तय करूंगा, पर मुझे वो अदा आती है कि आप मेरे बारे में क्या महसूस करें, करवा सकता हूं, यही तो भावनात्मक योग्यता है, और क्या भावनात्मक योग्यता। तो अभी से इंटरव्यू के लिए सिर्फ इतना करना है और तनाव नहीं लेना है अभी फिलहाल। मेंस में एक चीज है एससे, जिस पर अलग से बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो, मैं तो शौक से आज तक करता हूं, मुझे कोई एग्जाम देना नहीं है, शौक से करता हूं। दुनिया भर के मुद्दों पर जब भी कोई बढ़िया पंक्ति मिले, कोई बढ़िया कविता मिले, बढ़िया उदाहरण मिले, बढ़िया कथन मिले किसी का, उनको नोट करना शुरू कर, कोटेशन। निबंध की एक किताब है दृष्टि की, है निबंध दृष्टि, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कोटेशन हर टॉपिक पे दे रखिए, उनसे भी निकाल लीजिए, एक डायरी बनाइए अपनी, टॉपिक वाइज बना लीजिए, जैसे एक टॉपिक वृद्धावस्था, एक टॉपिक पर्यावरण हो गया, एक टॉपिक हो गया कोई भी, जो भी टॉपिक आपको लगता हो ना, महिलाओं के बारे में जो महिलाओं की समस्याएं हैं, गरीबी पे एक टॉपिक मान लीजिए, अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर कुछ बढ़िया बढ़िया कविताएं, बढ़िया बढ़िया शेर, ऐसी पंक्ति की आप 1000 शब्दों में जो कहते हैं ना, वो 2 पंक्ति में बात कही जा सकती है, और 2 पंक्ति में जब कोई बात कही जाती है ना, उसका असर सीधा दिल पे जाता है, दिमाग पे नहीं जाता है। और निबंध में जिसने 3-4 बढ़िया कोटेशन लिख दिए एकदम सटीक,
कमाल हो जाता है।